किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा कि प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वो इतने दुख में क्यों रहते हैं, और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपका नाम नहीं लेते, वो बड़े पैसे कमा रहे हैं, धरती लोक पर बड़े आनंद में रह रहे हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा, आओ चल करके आते हैं, भ्रमण करके आते हैं। दोनों साधु वेश में धरती लोक में पहुंचे, धरती पर आए। एक व्यापारी के घर पर गए, जाकर के दरवाज़ा खटखटाया और भिक्षा मांगी, तो व्यापारी आया, दरवाज़ा खोला और बिगड़ने लगा, गुस्सा करने लगा कि तुम आ जाते हो मुंह उठा करके, ये कोई जगह, यहाँ भोजन मिलता है, ये वो है। जाओ जाकर के मेहनत करो। बहुत कुछ कहने लगा व्यापारी, तुमने धंधा बना लिया, बहुत कुछ कहने लगा, ऐसा ऐसा कहने लगा, अपशब्द कहने लगा। दोनों वहां से चल दिए। नारद जी को लग रहा था कि भगवान अब जो है इसको श्राप देंगे, इसका व्यापार सब चौपट हो जाएगा, इसको अकला जाएगी। थोड़ा वहां से आगे चले तो भगवान जी ने कहा कि तुम्हें और धन मिले, तुम और प्रसन्न रहो, मस्त रहो, ऐसे ही व्यापार फलता फूलता रहे। नारद जी को समझ में नहीं आया क्या हो गया। थोड़ा आगे चले तो एक झोपड़ी में गए, एक बूढ़ी महिला वहां रहती थी, भगवान की आराधना करती थी, पूजा पाठ करती थी। उनके घर में एक झोपड़ी में, झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। वहां जाकर के उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। माता जी आई, उन्होंने कहा कि भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन गाय है, दूध आपके लिए उसका इंतजाम कर सकती हूँ। तो एक एक गिलास दूध लेकर के आ गई, आसन बिछाया, दोनों साधुओं को बड़े अच्छे से उन्होंने दूध पिलाया। उन्होंने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, आप बस आशीर्वाद दे के जाइए, मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहे, मैं तो भक्ति करती हूँ। बहुत कुछ कहने लगी दोनों साधु जो वेश में आए थे, भगवान जी और नारद जी, वहां से चल दिए। थोड़ा सा आगे गए तो भगवान पीछे पलटे झोपड़ी की तरफ और कहने लगे कि तुम्हारी जो गाय है वो कुछ दिनों में चल बसे। इस तरीके से जैसे ही उन्होंने कहा, नारद जी सराहने गए, उन्होंने कहा, आप क्या कर रहे हो, जो व्यापारी हमें गाली दे के भगा रहा है, जो हमें उल्टा सीधा कह रहा है, उसके लिए आप कह रहे हो कि उसको और पैसा मिले, और जो माता जी इतने प्रेम से हमारे, उन्होंने लिए दूध का इंतजाम किया, इतने आदर से हमारा सत्कार किया, उनको आप कह रहे हो कि गाय तुम्हारी चल जाए, चल बसे। भगवान ने कहा, तुम समझे नहीं, मैंने व्यापारी को और उसका व्यापार बढ़े ऐसी बात कही, क्यों कही, क्योंकि उसका मन ही उसी में, उसकी आसक्ति उसी में, उसका लगाव उसी में है। जब अंत समय आएगा तो वो और पैसा सोचता रहे और अगली योनि में वो सर्प बन जाए, तिजोरी के नीचे बैठा रहे। और बूढ़ी माता जी को मैंने कहा कि आपकी गाय जो है वो चल बसे, मैं नहीं चाहता कि जब वो अंत समय में पहुंचे तो गाय की चिंता करने लगे कि इस गाय को कोई ले ना जाए, इसको कोई मार ना दे, वो गाय का सुमिरन ना करें, वो मेरा सुमिरन करें, इसलिए गाय उनके जीवन से पहले ही मैं हटा देना चाहता हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय में हम जिस भी चीज का स्मरण करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम स्मरण ही प्रभु का करेंगे तो अंत समय में भी प्रभु ही याद आएंगे और हम उनके धाम पहुंच जाएंगे। इस कथा का सार यही है। इसलिए जो होता है उनकी मर्जी से होता है, उनकी कृपा से होता है, इस बात को स्वीकार कीजिए और जीवन के हर पल को जीना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।